लागू हुआ है ओबीसी पर, उसका हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ये कांग्रेस के एजेंडे में था। तो 27% मुख्यमंत्री ने आरक्षण दिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। बुरहान के बारे में क्या कहेंगे? हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस पे पुनर्विचार करेंगे। नहीं, पुनर्विचार होगा इस पे, कुछ त्रुटियां हैं उसको हम भी मानते हैं, और जिस तर्ज पे उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हुआ है हमको लगता है उस तर्ज पे झारखंड को भी लाना चाहिए। बाकी मुख्यमंत्री जी का मैनिफेस्टो में था, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से बाकी चीज़ों को भी किया है, चाहे वो आदिवासी संरक्षण की बात हो, ओबीसी संरक्षण की बात हो और झारखंड संरक्षण की बात हो। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां है, हम समझते हैं कि वो जल्दी उस पर नहीं। देखिए, हर जगह दो विचार है, ये नहीं कि हमारे यहाँ जेएमएम में भी ये दो तरह का विचार है। भाजपा के लोग जिस तरीका से हवा दे रहे थे, आज क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? उनको साफ सुंघा हुआ है, जिस चीज़ पे हवा दे रहे थे मुख्यमंत्री ने उनके पहल को मान लिया। आज जब मान लिया तो फिर वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि युवा मुख्यमंत्री हैं और जो भी निर्णय हुआ उस पर पुनर्विचार होगा। हमको लगता है कि इसीलिए हमने कहा ना कि इस पर पुनर्विचार होगा और कोई सकारात्मक रास्ता निकलेगा। देखिए, 47 में देश आज़ाद हुआ था, तो हम समझते हैं कि 90 साल बाद का कोई कानून, 90 वर्ष बहुत होता है जीवन में उतार चढ़ाव और बहुत से कानून में परिवर्तन का, तो हम समझते हैं कि इस पर पुनर्विचार होगा और जो भी सही होगा झारखंड के हित के लिए उस पर मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं और उस पर ही निर्णय होगा। और जो आज बात, जो लोग आज इस बात को 32 का फिर से हवा दे रहे हैं, वही लोग तो कल आग लगा रहे थे इस 32 के मुद्दों पर, तो उन लोगों को भी इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि झारखंड के किन मुद्दों के वो साथ हैं। देखिए, जिस तरीका से NRC और CAA का विरोध हम लोग कर रहे थे, उस तरह से मोदी जी चाह के भी उसको बहुत मजबूती से लागू नहीं कर पाए, तो उस तरह का कोई भी कानून होगा तो उस पर पुनर्विचार होगा। और झारखंड हित में जितने निर्णय लिए गए हैं अभी तक, दिक्कत इस बात का कि अब पेंशन योजना मुख्यमंत्री जी ने लागू किया इतना अच्छा, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। रोजगार पर लगातार प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उस पर लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। चर्चा उन बिंदुओं पे हो रहा है जिस पे पहले भाजपा आग लगाती है और फिर उस पे हवा देने का काम करती है। अध्यक्ष जी, क्या CAA NRC की तरह ही 1932 का भी विरोध करेंगे कांग्रेस? नहीं, विरोध का देखिए सवाल, एक बात समझिए, विरोध नहीं है ये और समर्थन भी नहीं है। बात यह है कि जो जिस हित में होगा, जैसे कोल्हान का अगर मुद्दा ले लीजिए, तो कोल्हान में सर्वे सेटलमेंट कब हुआ उस हिसाब से बात होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस पर हमको लगता है जल्दबाजी हुआ है, इस पर निर्णय जो भी है राज्य हित के अनुकूल होगा। ठीक है, उनका भी कहना जायज है, उन्होंने भी कोई गलत नहीं कहा है। हर जगह का अपना अपना कॉन्टेस्ट है, इसलिए कि जो राज्य में लागू हुआ है सर्वे सेटलमेंट वो अलग अलग वर्षों में लागू हुआ है, तो निश्चित तौर से जो हुआ है उसी हिसाब से हो सकता है, यह कानून भी बोलता है। तो देखिए, अभी बहुत कुछ होगा और झारखंड के हित में होगा, हुआ होगा। और उसका कारण यह है कि भाजपा पूरे राज्य में आग लगाने का कार्यक्रम कर रही थी 32 के मुद्दों पर, उसका साथ आंसू दे रहा था। इन लोगों को एक तरह से मुंह पे कालिक पुत गया है इस मुद्दे पर, जब हेमंत सोरेन ने इसको फ्रंट पे आके खेलने का काम किया है, तो और आज जब ये कर दिए तो चीज़ बहुत कुछ निकल के आ रही है। इसलिए हम ये बात आपको मानते हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, झारखंड हित से बाहर ये नहीं सोचते हैं। इन्होंने कई काम किए, कई योजनाओं को इन्होंने लागू किया जो झारखंड हित में है। आपको फिर विश्वास दिलाते हैं कि 32 के ऊपर भी इन्होंने पहले आप असेंबली में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उसको लेके भी भाजपा मुद्दा बनाया, आज जब उसको लागू कर दिया फिर मुद्दा बना रहा। तो ये सिर्फ चीज़ों से भटकाने का, राज्य के विकास से चीज़ों को लड़वाने का और नफरत और जहर फैलाने का काम जो चल रहा है, हमको लगता है बहुत जल्दी इस पर विराम लगेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।